हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज मैं बहुत सुंदर आपके सामने एक बात रख रही हूँ, बहुत सुंदर है। देखिए, एक छोटी सी बिटिया है जिनका हमें वॉइस मैसेज आया था। उसने कहा था कि आंटी, मेरे कान्हा तो कुछ भी बात नहीं करते, कोई लीला नहीं करते, कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था। तो मैंने उस बिटिया से कहा कि बेटा, हमारी एक वीडियो मैंने अभी लीला, कैसे पता करें कि कान्हा लीला कर रहे हैं या नहीं, आप वो वीडियो हमारी ज़रूर देखिए, तो आपको सारा समझ में आएगा कि कान्हा जी सबके साथ लीला करते हैं। बहुत प्यारी बिटिया है और मैंने उनसे वैसे भी कहा, थोड़ा कुछ कहा भी कि आप ऐसे ऐसे कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो भक्तों देखिए, आज उनका हमें फिर से मैसेज आया है। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने, बिटिया ने हमसे किए हैं, जो उनकी इच्छा है कि हम आप भक्तों के सामने में वो क्वेश्चन करूं। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि मेरे ये कुछ सवाल है जो आप मुझे इसका आंसर दीजिए और भक्तों को भी आप ये सवाल सुनाइए। तो पहला सवाल उनका ये है कि जो लीलाएं होती है, लड्डू गोपाल जो हम घर पे रखते हैं और जो उनकी लीलाएं होती है, तो क्या वो लड्डू गोपाल की ही रखने से लड्डू गोपाल ही लीला करते हैं? कोई दूसरा विग्रह अगर हम रखे, कोई दूसरा विग्रह लीलाएं नहीं करते? ये उनका सवाल है। देखिए कि सिर्फ लड्डू गोपाल ही लीला करते हैं या दूसरे विग्रह भी लीलाएं करते हैं, ये वो बच्ची के मन में चल रहा है सवाल। तो देखिए, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि जो कृष्ण है, हम कहते हैं कृष्ण लीलाएं करते हैं, तो हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कृष्ण है वो नारायण के रूप है, उन्होंने नारायण ने कृष्ण का रूप लेके नारायण पृथ्वी पे आए थे लीलाएं करने के लिए। जब कृष्ण ने जन्म लिया इस पृथ्वी पे, तो उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। जैसे जब दो दूध पीते बच्चे थे, तब उन्होंने पूतना जैसे इतनी बड़ी राक्षस का वध किया था। तो ये क्या थी? उनकी लीलाएं थी जो सभी को, सब जो भी हमारे कान्हा ने पृथ्वी पे आके जो जो किया, उसको हमने क्या कहा? लीलाएं कहा, कि उन्होंने आकर बहुत सी लीलाएं की। तो जो वृंदावन में हमारे जो कान्हा जी रहते थे, ब्रज में जो उनकी लीलाएं हुई, तो हमने कहा कि उन्होंने लीलाएं की। तो यही लीलाएं अभी भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भी कृष्ण का अस्तित्व है, वो अभी भी वृंदावन में है और सभी जगह लड्डू गोपाल जिनके घर में है, वो उनका अस्तित्व है वहां पर, उनके वो प्राण है। इसीलिए हम कहते हैं कि लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में पृथ्वी पर आकर जब जन्म लिया, यशोदा मैया देवकी माता ने जब उन्हें जन्म दिया और यशोदा मैया ने जब उन्हें पाला पोसा, तब उन्होंने लीलाएं की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं। तो एक लड्डू गोपाल ही है जो लीलाएं करते हैं, क्योंकि हम पहले से सुनते आ रहे हैं और अभी भी उनका अस्तित्व है। जैसे कि आप देखते हो कि कितनी लीलाएं मैं बताती हूँ आपको कि होती है, वो सिर्फ हमारे ही लड्डू गोपाल मधुसूदन मधुप्रिया नहीं, ऐसे काफी भक्त हैं जिनके कान्हा जी उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो जो वो बिटिया का सवाल था, तो ये उसका जवाब है कि लड्डू गोपाल ही हमारी लीलाएं करते हैं। दूसरा सवाल उनका ये है कि अगर हम भोग लगाते हैं कान्हा जी को, उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर आप मधुसूदन मधुप्रिया को भोग लगाते हैं, तो वो जो प्रसाद आप रखते हो भोग के लिए, तो वो पूरा खत्म कर देते हैं? ऐसे दिखता है आपको कि वो पूरा कुछ भी प्रसाद वहां पे नहीं है, उन्होंने पूरा पा लिया, ऐसे होता है क्या? तो देखिए भक्तों,
ऐसा नहीं होता कि अगर हम उन मधुसूदन मधुप्रिया के पास या लड्डू गोपाल के पास कोई भी अगर हम भोग रख रहे हैं, थाली में अगर कुछ हम प्लेट में हम उनके भोग रख रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक गराई तोड़ रही हूँ और उन्हें खिला रही हूँ, तो ये मेरे भाव है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि मेरे कान्हा जी वो प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में गराई है वो वैसे ही रहती है, वो मैं प्लेट में वैसे ही फिर से रख देती हूँ। ये मेरे भाव है कि वो मुझे दिख रहा है कि मेरे कान्हा जी का पेट भर गया, मेरे कान्हा जी ने प्रसाद पा लिया, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेट में प्रसाद वैसे ही रहता है। एक खुशबू से ही और हमारे भाव से ही उनका पेट भर जाता है, हमारे कान्हा जी का पेट भर जाता है। और अगर देखिए, हम अगर प्रसाद रखते हैं और सच में वो प्रसाद पूरा गायब हो जाता है एक मिनट में, अगर उन्होंने पूरा पा लिया, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब चमत्कार हो जाएगा। और जैसे ये दिख जाएगा कि अरे कान्हा जी है, देखो कान्हा जी ने प्रसाद खा लिया, पूरा खत्म हो गया, ये ऐसा एकदम लोगों को दिख जाएगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि कान्हा जी सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो अपना दिखाते नहीं है, वो खुद होके कभी नहीं दिखाते कि ये मैंने किया, वो कभी किसी के सामने नहीं आते, वो ये कभी दिखाएंगे भी नहीं कि ये मैंने किया, वो कभी नहीं दिखाते। वो कुछ ना कुछ जैसे हमारे मन में डाल देते हैं कि हाँ ये इसके कारण इसके का ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये हम ऐसा हमारे मन में ऐसे सोच वो डाल देते हैं। तो देखिए ये सब चीज, हाँ ठीक है, कभी हम पानी पिलाते हैं, कभी दूध पिलाते हैं, तो ऐसे लगता है कि अरे चम्मच में से एकदम पानी खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, ये हमारे साथ भी हुआ है। तो ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ जैसे हम आइसक्रीम खिलाते हैं तो वो पूरी खत्म हो जाती है आधी, जैसे मैंने आपसे कहा था, लेकिन नीचे कुछ भी गिरता नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए, ये मतलब हमारे नजरों के लिए ये ठीक है कि हाँ, लेकिन अगर हमने पूरी प्लेट खाने की रख रहे हम और उसमें से पूरा खाना एकदम एक मिनट में पूरा खत्म हो जाता है, तो ये तो एकदम उनके ऊपर आ जाएगा कि अरे कान्हा जी देखो खा रहे, आ रहे बाहर वो खा रहे, तो ये दिखाना नहीं चाहते, वो खाएंगे पिएंगे सब, लेकिन वो कभी आगे आके दिखाएंगे नहीं। तो इसीलिए वो खाते पीते सब है, लेकिन हमारे जो हम उनको प्रसाद दे रहे हैं उसकी खुशबू और हमारे भाव, हमारे भाव से ही उनका पेट भर जाता है। भले ही वो प्रसाद खत्म नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में वो प्रसाद को उन्होंने पा लिया है, लेकिन हमें दिख रहा है कि थाली में रोटी सब्जी सब पड़ी है, लेकिन सच में उन्होंने वो हमारे भाव से, हमारा प्यार और हमारे खाने की सुगंध से उनका पेट भर जाता है। तो हमने ये मन में लाना भी नहीं चाहिए कि अरे हमारे तो प्लेट में रोटी वैसे की वैसी ही पड़ी है, हमारे कान्हा ने तो कुछ खाया ही नहीं कि वैसा ही खाना पड़ा है, कहाँ वो प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो पाते हैं लेकिन वो कभी दिखाएंगे नहीं कि उन्होंने पाया है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ चीज़ें सीमित रखी है उन तक, जो हमारे तक कभी हम पहुंच नहीं सकते, वो चीज़ तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, वो कुछ चीज़ें उन्होंने अपने तक ही सीमित रखी हुई है और हमें वहां तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये जो दूसरा सवाल था, मैं ये समझ लूँगी कि आप सभी भक्तों को ये समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। जो मैंने अभी कहा मुझे मतलब ऐसा समझना चाहिए कि आप सभी भक्तों को वो समझ गया, ठीक है। तो देखिए ये उनका सवाल था जो मैंने अभी स्पष्ट रूप में आपको बता दिया कि वो फिजिकली आकर जैसे पूरी प्लेट खाने की ख़त्म नहीं करते,
वो सिर्फ उसकी खुशबू से और हम जो प्यार से भाव से उन्हें खिला रहे हैं वही वो प्रसाद पाते हैं, उसी से उनका पेट भर जाता है। अब देखिए दूसरी बात, जैसे कि मैंने वो बच्ची से कहा कि बेटा आप हमारी वीडियो देखिए जो लीला कैसे कान्हा करते हैं और हमें कैसे पता चले, जो मैंने वो लीला बताई वो आप देखिए, तो वो बच्ची ने देखी है वो वीडियो और देखिए उसे क्या उससे उसके साथ वो लीला हुई वो वीडियो देखकर, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हरे कृष्ण राधे राधे।